नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। कश्मीर और दलित पिटाई मुद्दे पर राज्यसभा में कांग्रेस का पीएम मोदी पर हमला। गुलाम नबी आजाद ने कहा, पीएम सदन के चर्चाओं में नहीं होते शामिल, नजदीक रहकर भी दूर हैं। सदन में पीएम के बयान की भी मांग की। कश्मीर पर पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ का नापाक बयान, बोले कश्मीर के लोगों की आवाज उठाना मेरा काम, मामला भारत का आंतरिक नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा। कश्मीरियों पर ज्यादती को लेकर यूएन को लिखी चिट्ठी। चोरों ने चलती ट्रेन से आरबीआई का खजाना किया साफ, 340 करोड़ के खजाने में पौने 6 करोड़ रुपए लेकर हुए चंपत, कोच की छत काट कर दिया वारदात को अंजाम। दिल्ली में लेडी बाउंसर से चलती कार में गैंगरेप, प्राइवेट कंपनी के इंजीनियर पर दो दोस्तों के साथ वारदात को अंजाम देने का आरोप, बाद में पीड़िता को रोड से पीट कर कार से फेंका। मुंबई के हीरा नंदानी किडनी केस में कई और अहम गिरफ्तारियां, पुलिस ने अस्पताल के सीईओ और 4 बड़े डॉक्टरों को पकड़ा, आरोपियों की कोर्ट में आज होगी पेशी। दुनिया में सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाले तैराक माइकल फेल्प्स ने तोड़ा अपना ही रिकॉर्ड, रियो ओलंपिक में 21वां स्वर्ण पदक किया अपने नाम, एक ही दिन में छटके 2 स्वर्ण। रियो ओलंपिक कवर करने जा रहे पत्रकारों की बस पर फायरिंग, गोलीबारी में किसी के हताहत होने की खबर नहीं, बास्केटबॉल वेन्यू से ओलंपिक पार्क जाने के दौरान हुई फायरिंग। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें, देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।